नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं धमोरा का जो एक चौराहा हम कहें उस चौराहे पे, और यहां पास ही में जो राशन की दुकान है, गवर्नमेंट की राशन की जो दुकान है वो है रोड के पास में, ये दुकान है। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ लगी थी जो गेहूँ वगैरह अनाज वगैरह लेने के लिए आए थे। तो प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं इनसे कि किस तरीके से कितना क्या अभी मिल रहा है, क्या सरकारी गाइडलाइन की पालना हो रही है या सरकार जो कोरोना की वजह से कुछ सहूलियत दी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? आप प्रभु सिंह नाम सर। आपके पास है ये डीलरशिप अभी? तो ये अब भी जो अनाज वगैरह का दिया जा रहा है तो किस तरीके से प्रोसेस क्या है, कैसे? अभी देखो, हाल ही में तो जो राज्य सरकार का 2 रुपये किलो का है वही है, अगले महीने और उससे अगले महीने 5-5 किलो मोदी जी का भी है, वो फ्री है और वो ये 2 रुपये किलो का है। अब भी राज्य सरकार की तरफ से जो अनाज दिया जा रहा है वो 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो दिया जा रहा है और अगले महीने से वो मिलेगा। अगले महीने से 2 महीने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री किया है, वो इस महीने का तो अगले महीने देंगे और अगले महीने का उससे अगले महीने देंगे, ये गाइडलाइन है। जितना एक ये भी चीज़ है कि जो लोग पात्र हैं जिनको ये अनाज दिया जाना है तो वो क्या सारे लोग ले लेते हैं या कुछ ऐसा होता है कि 2-5% देखो कभी कोई बाहर गया हुआ हो या कोई और है वो तो रह जाते हैं, 2-4% की तो कह नहीं सकते हम, बाकी तो बाकी लगभग जो भी पात्र हैं जो रिकॉर्ड में आपके हैं वो सारे लोग आ जाते हैं और ले ही लेते हैं। अच्छा, अभी जो यहाँ और अभी गेहूँ के अलावा कुछ और जैसे राशन में और चीज़ें भी हैं? और चीज़ें तो अभी तो राशन में नहीं है, और चीज़ें नहीं है सर अभी तो। अच्छा, गेहूँ ही है। आंगनबाड़ी वालों का है वो दाल वगैरह चावल वगैरह वही है, वो आंगनबाड़ी से उपलब्ध होती है। वो तो आंगनबाड़ी वालों का आता है और वो तो बच्चों के नाम से वो दिया जाता है। हाँ, वो तो बच्चों के नाम और गर्भवती महिलाओं के नाम होता है, नाम से दाल चावल वगैरह और वो सारी दाल चावल और गेहूँ पिछले लॉकडाउन में भी दिया था और इस बार तो देखो अभी तो आया नहीं है। तो आपका गांव कौन सा है? अब हमारा गांव धमोरा ही है सर। धमोरा के लोग? हाँ जी। तो अभी आपके गांव में कैसी कोरोना की क्या स्थिति है जैसे बात करें? गांव में अभी रिकॉर्डेड 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे और दोनों अच्छे हैं, रिकवर हो गए। हाँ, रिकवर हो गए दोनों कोरोना पॉजिटिव। और हमारे गांव में कोरोना से पॉजिटिव भी 2 ही आए थे और कोरोना से मौत भी शायद 2 हुई थी। एक तो उज्जैन में प्रवास करते थे। अच्छा, और तो उनकी मौत यहाँ हुई या बाहर? उज्जैन में ही हुई थी। अच्छा, लेकिन वो थे आपके गांव के। और एक शायद सिक्कर में रहता था, लेडीज थी टीचर, उसकी भी शायद वहाँ सिक्कर में बीमार हुए थे वहीं। हाँ, वो थे आपके गांव के लेकिन बाहर उनका, और गांव में जो पॉजिटिव आए हैं वो रिकवर हो गए। और गांव में उसमें 13 आए थे उस दिन या 14 आए थे, वो सारे पॉजिटिव रिकवर हो गए और गांव में कोरोना से कोई एक भी मौत नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ और भी महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो राशन लेने के लिए अभी दुकान पे आए हैं।